को ही बढ़ा रहे हैं आज हम फिर। चलिए आर्टिकल क्या था, नेम ऑफ, नेम ऑफ नेम ऑफ पोस्ट्स। पदों के दुनिया में जितना भी नाम है, हर पदों के नाम के पहले द लगता है, जैसे छोटा हो या बड़ा, हर पद के नाम के पहले, जैसे द प्यून, द प्राइम मिनिस्टर। छोटा हो या बड़ा पद का अगर नाम है तो उसके पहले हम आर्टिकल द लगाएंगे। नेम ऑफ, नेम ऑफ सिविलाइजेशंस, नेम ऑफ सिविलाइजेशंस। जितने भी सिविलाइजेशंस हैं सबके नाम के पहले द लगता है, जैसे द मायन सिविलाइजेशन, मायन सिविलाइजेशन। जैसे द सिंधु वैली सिविलाइजेशन, द सिंधु वैली सिविलाइजेशन। जितना भी सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, सारे सभ्यताओं के नाम के पहले हम हमेशा आर्टिकल द लगाएंगे। देखो दुनिया में जितना भी एडजेक्टिव है, किसी भी एडजेक्टिव के नाम के पहले केवल द लगाने से वो प्लुरल हो जाता है। तो कोई भी एडजेक्टिव के साथ हम कभी भी एस या ईएस लगाकर हम इसको कभी भी प्लुरल नहीं करेंगे। कोई भी एडजेक्टिव जो प्लुरल होता है केवल उसके पहले आर्टिकल द लगा दो। तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगा देने से बराबर बन जाता है प्लुरल एडजेक्टिव। तो जैसे एग्जांपल, गरीब का द पुअर, पुअर, तो गरीबों का द पुअर। अमीर का रिच, तो अमीरों का द रिच। ईमानदार का ऑनेस्ट, तो द ईमानदार कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका ईमानदारों। तो दुनिया का हर एडजेक्टिव के पहले केवल आर्टिकल द लगाने से ये प्लुरल हो जाता है। ठीक है, ऐसे लेना है कोई भी एडजेक्टिव के पहले द लगाने से। हिंदी सेंटेंस में कहीं भी वह या उस दिख जाए, वह या उस दिख जाए, और तब अगर इसके बाद किसी नाउन का यूज हो तो बराबर हम इस वह या उसको द प्लस नाउन से बनाएंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। जैसे आप कहीं पे कहते हैं वह लड़का, तो आपको यहाँ पे लिखना है द बॉय। अगर आप कहते हैं उस देश, उस देश, तो हम लिखेंगे द कंट्री, उस देश, द कंट्री। जैसे एक सेंटेंस देखिए, आप किसी को बोले मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। तो आई एम द हैबिटेंट ऑफ द कंट्री। मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। इन विच कंट्री द गंगा फ्लोज, द गंगा फ्लोज। तो यहाँ पे हो गया आपका द कंट्री, उस देश। कोई भी नाउन के पहले वह या उस रहे तो आप उसके पहले द लगा देंगे। एडजेक्टिव को कभी अगर हमको प्लुरल करना हो तो हम इसके पहले आर्टिकल द लगा देंगे। तो ये सबको लगाते चलना है, फिर हम लोग का बनते जाएगा। जितना भी हम लोग का प्लैनेट्स है, नेम ऑफ प्लैनेट्स, नेम ऑफ प्लैनेट्स। जितना भी प्लैनेट्स है, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र है, सबके पहले द लग जाएगा। जैसे द अर्थ, जैसे द स्काई, द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, द मून, ईटीसी, जितना भी है सब, सभी ग्रहों के नाम के पहले हम हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ये सब के पहले हमेशा आर्टिकल द लगता है।
अभी जितना भी हम वर्ड्स लिखेंगे, ये सारे शब्दों के पहले हमेशा आर्टिकल द लगता है। सारे निम्नलिखित शब्दों के पहले बराबर द। अभी जितना वर्ड्स लिखेंगे ये सबके पहले द लगेगा। जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, ये सब गिनती का जब शब्द आए ये सबके पहले द लगाना है। फिर दूसरा है, जैसे हम लोग कहते हैं द सिंगल, द डबल, द ट्रिपल, द ट्रिपल, ये सबके पहले हमेशा हम आर्टिकल द लगा देंगे। ये सब सारे शब्द के पहले हमेशा आर्टिकल द लगता है। और भी कुछ शब्द है वो सबके भी पहले हम आर्टिकल द लगाएंगे। छोटा छोटा करके दे रहे हैं, ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं। आराम से आप पढ़िएगा। ये वीडियो यहीं तक, फिर आते हैं अगले वीडियो में।